बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रहे हैं R7 लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल रायबरेली के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों ने शहर के गल्ला मंडी पहुंचकर मंडी शुल्क समाप्त किए जाने को लेकर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपा। वहीं मंडी सचिव से मंडी शुल्क समाप्त किए जाने को लेकर आह्वान किया। आपको बता दें कि आज पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल आज मंडी समिति में धरना प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव को ज्ञापन सौंप रहे हैं और मंडी शुल्क समाप्त किए जाने की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष आशीष द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों पदाधिकारियों ने रायबरेली की गल्ला मंडी पहुंचकर मंडी सचिव को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मंडी शुल्क समाप्त किए जाने की मांग की। वहीं मंडी सचिव ने कहा कि आप लोगों की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाई जाएगी। आइए देखते हैं रायबरेली से राम स्नेही यादव की ये खास रिपोर्ट। किस बात को लेकर के आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? हम सब की प्रदेश सरकार से मांग है कि मंडी शुल्क पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए। जून 2020 में केंद्र सरकार द्वारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी द्वारा व्यापारियों की समस्या और मंडी शुल्क में व्याप्त भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए पूरे देश से संपूर्ण मंडी शुल्क पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है। ऐसे में जबकि देश और प्रदेश में एक ही सत्तारूढ़ दल की सरकार है और केंद्र सरकार द्वारा मंडी शुल्क समाप्त कर दिया गया है, तो मेरी मांग ये है, हमारे मंडल की मांग ये है, संपूर्ण प्रदेश में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, समस्त जनपद की मंडी समितियों में सभी जगह धरना प्रदर्शन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग की जा रही है कि मंडी शुल्क पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, ताकि केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का वास्तविक लाभ आम व्यापारियों को मिल सके। दिक्कत तो इस बात की हो गई कि जब कृषि कानून किसानों के दबाव में सरकार ने वापस लिए, तो उसके पूर्व कृषि कानूनों को लागू होने से के बाद इसी उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंडी के अंदर मंडी शुल्क लगा रखा था और मंडी के बाहर समस्त प्रकार के होने वाले व्यापार को शुल्क कर मुक्त कर दिया था। जबकि यह कृषि कानून वापस हुआ तो इस सरकार ने पुनः समस्त मंडी शुल्क, समस्त प्रकार के लाइसेंस, गेट पास आदि की व्यवस्था बहाल करते हुए पुनः मंडी शुल्क लागू कर दिया। और इतना ही नहीं, अब सभी व्यापारियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के उपरांत ही अपनी गल्ले की खरीद व फरोख्त करने का अवसर मिलेगा। ऐसे में कि जब व्यापारी जाहिल और अनपढ़ किसान टाइप का व्यक्ति हो, जो कि सही रूप से एक सामान्य टच मोबाइल चलाने में अपने आप को असमर्थ पाता हो, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग की व्यवस्था से परेशान व हलाकान है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करें? हमारा यह प्रदेश प्रांतीय आह्वान पर आंदोलन चल रहा है। आज हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। 5 तारीख को इसी मंडी समिति के गेट पर पुतला दहन करेंगे मंडी शुल्क का, और 7 तारीख को इस मंडी के अंदर होने वाले समस्त व्यापार अपनी मांग को लेकर ठप रहेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं मांगेगी सरकार तो हम प्रदेशव्यापी पुनः आंदोलन करेंगे और लखनऊ में जाकर समस्त जनपद का व्यापारी इकट्ठा होकर विधानसभा के सामने धरना देगा, प्रदर्शन करेगा, घेराव करेगा। सर, अभी कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, व्यापार मंडल के लोग थे, जिन्होंने आपको एक ज्ञापन दिया, किस मामले को लेकर के ज्ञापन दिया गया है? 5 जून 2020 को भारत सरकार द्वारा एक अध्यादेश जारी हुआ जिसमें मंडी बाहर के मतलब यार्ड के बाहर मंडी शुल्क समाप्त हो गया था। फिर उसके बाद दोबारा अभी किसी वापस होने के कारण मंडी शुल्क बाहर भी लागू हो गया है। इसके विरोध में लोग अपना मांग कर रहे हैं कि हम लोग मंडी शुल्क ला देना पड़े, माफ कर दिए जाए। अच्छा सर, मंडी परिसर की अगर बात की जाए तो मंडी परिसर में काफ़ी गंदगी रहती है, इसको लेकर के क्या व्यवस्था है? गंदगी नहीं, डेली 500 लेबर हमारे लग रहे हैं, धान खरीद चल रहा है, थोड़ा धूल मिट्टी उड़ रही है, हो जाता है कि शाम तक वो भी सारा सफाई हो जाता है।